सो है गाइस, न्यूज ब्रदर्स तो सब बात करते हैं बिग बॉस के बारे में और बिग बॉस से रिलेटेड मेरे पास काफी सारे न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बात करते हैं बिग बॉस की ट्रॉफी के बारे में, जो कि ट्रॉफी का फर्स्ट लुक देखने को मिल गया है, ऐसा कुछ दिखता है। लेकिन ये ट्रॉफी किसके हाथ जाने वाला है ये आपको जरूर से बताना है। तो बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में, अंकिता लोखंडे के बारे में, अभिषेक के बारे में, मनारा चोपड़ा और अरुण शेट्टी के बारे में, जो कि ये पांच कंटेस्टेंट अभी भी हैं और इस वक्त इनके ऊपर बिल्कुल भी रोहित शेट्टी टास्क के दौरान उनको कई सारे सवालों से बिल्कुल भी घेरा गया है, क्योंकि ये सारे जितने भी लोग हैं इनसे बिल्कुल भी उनके शुरू से लेकर अंत तक की जर्नी के बारे में सवाल और जवाब किए हैं। क्योंकि अंकिता लोखंडे से पूछा गया है कि जब आपने स्टार्टिंग में एंटर की थी बिग बॉस 17 में, तो आपने ये कहा था कि आप दिल से खेलते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने 2-3 वीक तक आपने दिल से खेले, फिर उसके बाद तो आपने दिमाग का इस्तेमाल किया? तो ऐसे कई सारे सवाल थे अंकिता लोखंडे के लिए कि वो बिल्कुल भी वहां पे गलत हो गई हैं, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए, यानी कि कह सकते हो विकी जैन हो या फिर मनारा चोपड़ा हो या फिर मुनव्वर फारूकी हो, क्योंकि अपने फायदे के लिए ये सारे लोगों को बिल्कुल भी यूज किया है, जिसके कारण से रोहित शेट्टी ने उनको सवालों से बिल्कुल भी घेरा है। तो यही पे बात कर लेते हैं अरुणमा शेट्टी के बारे में। अरुणमा शेट्टी बिल्कुल भी इमोशनल हो गए, वो बोलते हैं आप किसी झगड़े में इन्वॉल्व नजर नहीं आते हो, आपका रीजन क्या है, ये शो आपके लिए बना भी है या नहीं? तो अरुणमा शेट्टी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे, थोड़े से रोने लग गए, लेकिन वो एक ही बात बोले कि जब भी किसी भी झगड़े होते थे तो बहुत ही तगड़े लेवल से जिसमें झगड़े होते, तो वहां पे मैं जाना अलाउड नहीं करता हूँ, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे इंडिविजुअल कोई खेल रहा हो, उसमें मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि अरुणमा शेट्टी ये नहीं चाहते कि किसी के झगड़े में वो शामिल हो। तो काफी सारे लोगों से पूछा जाता है डिजर्विंग है या फिर नहीं, तो काफी सारे लोगों ने हाँ बोला था कि वो डिजर्विंग नहीं करते हैं। तो ये चीजें देखने को मिली है बिग बॉस 17 में। और वही बात करते हैं अभिषेक के बारे में, अभिषेक से भी सवाल किया जाता है। तो अभिषेक बोलते हैं काफी सारे लोग मुझे पोक करते रहते हैं, इसके लिए मुझे उनके लिए जवाब देना पड़ता है। और रोहित शेट्टी एक ही बात बोलते हैं, जब भी आप झगड़े करते हो तो मुंह के एकदम करीब जाते हो, तो उसके लिए उन्होंने बहुत तगड़ा बातें बोली कि झगड़ा करो लेकिन ऐसा नहीं कि अब उसके सड़ जाओ। तो बहुत सारे सवाल थे अभिषेक के लिए, तो अभिषेक को ये चीजें सुधारने के लिए कहा जा सकता है। बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के बारे में। मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड बहुत सारे बातें की हैं, ये भी कहा गया है कि आपने जो कुछ किया है बिग बॉस आने से पहले वो चीजें या तो फिर सुधार लो या तो फिर उस चीज को खत्म कर दो, बाहर आने के बाद बहुत सारे सवाल आपके से जुड़ने वाले हैं। तो रोहित शेट्टी एक ही बात बोले कि आप अपने आप को बदल लो या तो फिर उस चीज में इन्वॉल्व कर दो। तो मुनव्वर फारूकी जब बाहर आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि आखिर वो क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए। अगर वही मुनव्वर फारूकी की फैंस बोलाई की बात की जाए तो बहुत ही तगड़े लेवल से है और जबरा फैंस भी है, लेकिन होता क्या है कि उनके सपोर्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी देखने को मिल रहे हैं, बाकी के जितने छोटे बड़े एक्टर हैं वो भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग या फिर कह सकते हैं यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, यानी कि सिंगर कम्युनिटी से या फिर रैपर कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइए। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में, बात कर लेते हैं तहलका प्रैंक स्टार के बारे में। तहलका प्रैंक स्टार आप सभी को पता होगा कि वो बिग बॉस में नहीं है, लेकिन जब भी बाहर आए हुए हैं तो वो अरुणमा शेट्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि जितने कंटेस्टेंट आए हुए थे बिग बॉस 17 में, सारे कंटेस्टेंट जो लोग बाहर आ चुके हैं वो सारे लोगों से बिल्कुल भी मिल रहे हैं और बिल्कुल भी चिंटू बिग बॉस से बाहर देखने को मिले हैं, यानी कि समर्थ जुरल, जब उनसे मिलते हैं तो एक बार जरूर से सुनिए उनकी बात। मेरा प्यारा भाई, छोटा भाई, तगड़ा तहलका, गाड़ी हो तो चिंटू भाई जैसी होनी तो गाड़ी हो ना। और आज मैं बहुत बड़ा सुनने का काम कर रहा हूँ, जो एक बेटा आपको दिखाऊंगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहे चारों, ये कल गाड़ी आपको चमकती दिखेगी। अच्छा, चिंटू की गाड़ी देखना कल आपको चमकती दिखेगी। एक सेकंड, छोटा आगे दिखा, आगे ले आओ भाई, 300 रुपए। ये छोटे को मैंने 300 रुपए गाड़ी वॉशिंग के दे दिए हैं, कल आपको चिंटू की गाड़ी मुंबई में चमकती दिखेगी, क्योंकि सारा मसला था पैसे का। कल चिंटू खुश रहा, 50 रुपए कम दी, नहीं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अब मेरी गाड़ी धुल जाएगी तो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई कह सकते हो ये थोड़ा फनी था, लेकिन होता क्या है कि चिंटू जब से बाहर आया है तब से वो अपने गाड़ी को धुला ही नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा गंदा दिखता है।
तो इसलिए उनको बिल्कुल भी 300 रुपए पे करते हैं। तो भाई कह सकते हैं ये जरा फनी था। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूके जेसन राइडर के बारे में। यूके जेसन राइडर जब बिग बॉस से बाहर आए तो उन्होंने काफी सारे लोगों की जनता से सवाल किए कि क्या लेम्बोर्गिनी लेने चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल भी लेम्बोर्गिनी ली है। लेकिन होता क्या है, एक और बिल्कुल भी उन्होंने स्टोरी पोस्ट की है, उस पोस्ट में क्या कहते हैं एक बार जरूर से सुनिए। क्या हाल है सब लोगों के, अगली स्टोरी में ना एक चीज पोस्ट कर रहा हूँ, बस हाँ या ना में जवाब दे दो। और आपको पता है जो चीज़ बोली है वो ला करके दिखाई है, बट इस पे दिल आ गया मेरा। बताओ अगली स्टोरी में। वो अपनी जनता से हाँ या ना का जवाब चाहते थे कि ये क्या गाड़ी लेनी चाहिए, तो उन्होंने काफी सारे लोगों ने रिप्लाई की और रिप्लाई में हाँ भी जवाब मिल गया। तो भाई सारे लोगों ने बोल दिया कि आपको यह गाड़ी ले लेनी चाहिए, और वाकई में हो सकता है आने वाले समय में यूके जेसन राइडर ये महंगी कार खरीद सकते हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भोपाल की रहने वाली एक महिला के बारे में। जो होता क्या है कि जो अपनी पति से बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी गोवा टूर पे घुमाने के लिए लेके चलो, हनीमून के लिए लेके चलो, लेकिन ये होता क्या है कि जो उनके पति हैं वो बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश वाराणसी लेके चले जाते हैं अयोध्या राम मंदिर। लेकिन ये चीज देखने को मिलती है कि एक मामला बिल्कुल भी दर्ज हो जाता है ऐसा, इसलिए क्योंकि उनके पति जो कि ऐसे बोलकर लेके गए थे कि गोवा लेके चलते हैं, लेकिन वो अयोध्या लेके चले जाते हैं, और जिसकी वजह से थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है, वायरल भी रही है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आयुष्मान खुराना के बारे में। और आयुष्मान खुराना का एक वीडियो जो बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था, आप सभी को पता होगा, जो दिल दिल पाकिस्तान करके उन्होंने सॉन्ग गाया था। लेकिन वो काफी सारे लोगों को नहीं पता था कि वो सॉन्ग किस लिए गाया था। होता क्या है कि दुबई में एक कॉन्सर्ट रखा गया था, वहाँ पे बिल्कुल भी उनको बुलाया गया था, अप्रोच किया गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद और ये विवादित गाना जो था वो वहाँ पे कॉन्सर्ट के दौरान अली जफर के साथ ये सॉन्ग गाया था, जो कि ये साल 2017 में गाना गाया गया था, और साल 2024 में ये चीजें वायरल देखने को मिली, जो कि 5 साल पुराना यह वीडियो था, जो कि काफी ज्यादा वायरल भी रहा था, और काफी सारे लोगों ने अपने अलग अलग तरीके की राय भी दी थी कि ये चीजें ऐसे क्यों कर रहे हैं, और काफी सारे लोग का कंफर्म नहीं था कि ये चीज रियलिटी है भी या नहीं, लेकिन ये वीडियो रियल है। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं दुखू माझी के बारे में। दुखू माझी जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो कि इस वक्त केंद्र के द्वारा बिल्कुल भी पद्मश्री अवार्ड देने का नाम घोषित किया गया है, उसमें से लगभग 110 लोगों के नाम भी दिए गए हैं। दुखू माझी एक ऐसे इंसान है पर्यावरण के बारे में वो काफी तरह की बातें बताते हैं और पर्यावरण से रिलेटेड बातें बताने की कोशिश करते हैं काफी सारे लोगों से, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने अब तक 5,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम पद्मश्री अवार्ड में लिखा गया है। और ये चीजें को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इसलिए उनका नाम देखने को मिला है, जो कि ये चीजें इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल भी रहा है। 5,000 पेड़ लगाना मामूली बात नहीं है, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फाइटर मूवी के बारे में। फाइटर मूवी की रिलीज डेट जो कि 26 जनवरी थी और वो बिल्कुल भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन उस फिल्म के बारे में अगर बात करें कि आखिर उस फिल्म ने अब तक कितनी कमाई कर चुकी है और कितने बनी है, तो वो बिल्कुल भी 250 करोड़ रुपए में बिल्कुल भी उस फिल्म को बनाया गया था, लेकिन फर्स्ट डे में बिल्कुल भी उस फिल्म ने लगभग नहीं कह सकते तो 35 से लेकर 40 करोड़ के आसपास इस फिल्म ने कमाई की है। तो हो सकता है आगे चल के बहुत ही अच्छा खासा कमाई कर सकता है, और इस चीज को देखा गया है कि यह फिल्म अभी इस वक्त बहुत ही कम कमाई की है, तो हो सकता है मंडे या फिर संडे इस वक्त बहुत ही अच्छा खासा रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकते। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल देखने को मिल रहे हैं ऐसा, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की जो है इस वक्त गठबंधन करके बिल्कुल भी जेडीयू के बारे में कई सारे ऐसे खुलासे देखने को मिल रहे हैं, और वो गठबंधन करना चाहते हैं, और इसी चीज को देखते हुए बिल्कुल भी प्रशांत किशोर जो है वो इस पे ये बोलते हैं, नीतीश कुमार के दल जेडीयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने सारे उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है और प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आए तो नहीं आएगा। लेकिन काफी सारे जनता का यह भी सवाल रहता है कि अगर ये नेता यहाँ का बनते हैं तो इनकी नेता में बिल्कुल भी कोई सा भी जॉब देखने को नहीं मिलता है और ना ही कोई मुनाफे देखने को मिलते हैं, मतलब कई सारे लोग का अपनी अपनी राय देखने को मिलती है। लेकिन यही क्या होता है, तेजस्वी यादव का भी बिल्कुल भी एक बयान देखने को मिलता है, और उस बयान में यह भी सुनने को मिलता है कि बिल्कुल भी नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल भी पलटवार खेल खेल रहे हैं, यानी कि जिसके पलटवार रहते हैं उसकी तरफ देखते हुए नजर आते हैं। तो कई सारी बातें हैं
जो नीतीश कुमार से उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि चैनल इस वक्त हमारा नया है, लेकिन काफी सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया।